दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने किया भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान। दिन में कर दिए रातों रात 5 बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच अब से कुछ ही देर के अंदर खेला जाने वाला है। ऐसे में इस मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया और इस दौरान उन्होंने टीम के अंदर खतरनाक मास्टर प्लान के तहत 5 ऐसे बड़े बदलाव कर दिए जिसके चलते भारत का विरोधी टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के अंदर किन खिलाड़ियों को बाहर करके नए खिलाड़ियों की एंट्री कराई है तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है जो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर जाएगा। इस मैच के लिए दोनों टीम पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने मैच के शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर दिए हैं और ऐलान कर दिया है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने पारी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया जो टीम के कप्तान है और पिछले मैच में 131 रन की पारी खेलकर आए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ इनसे इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की गई है। इसके अलावा उनसे जोड़ीदार के रूप में महेंद्र सिंह धोनी ने ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल ईशान किशन पहले दो मैच में उम्मीद के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, ऐसे में अब उनकी जगह पर शुभमन गिल को खेलने का मौका मिलेगा। आपको बता दें, शुभमन गिल पहले दो मैच में डेंगू के कारण नहीं खेल पाए, तो ऐसे में अब शुभमन गिल पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। वहीं उनके स्वस्थ हो जाने के साथ पाकिस्तान के खिलाफ पारी की शुरुआत करने का मौका कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की मजबूत सलामी जोड़ी को महेंद्र सिंह धोनी ने दिया है, जो भारत को जीत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली को शामिल किया जो भारतीय टीम के लिए पिछले दो मैच में अर्धशतक लगाकर आए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया और उनकी जगह पर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया जो भारतीय टीम के लिए मध्यक्रम की टीम की स्थिति के अनुसार संभालेंगे और समय आने पर तूफानी बल्लेबाजी करके जीत दिला देंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने पिछले दो मैच में कुछ खास कमाल नहीं किया। ऐसे में उनकी जगह पर सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका मिलेगा। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल को शामिल किया है जो अपने शानदार फॉर्म में और टीम को अपने जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर जीत दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने बल्लेबाज के तौर पर दो बड़े बदलाव किए। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या को शामिल किया है जो भारतीय टीम का कप्तान है। हार्दिक पांड्या ने लगातार बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके भारत को जीत दिलाने का काम किया है। ऐसे में एक बार फिर से भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाने का दायित्व हार्दिक पांड्या के ऊपर है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा को शामिल किया जो भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज हैं। रविंद्र जडेजा अपने इसी तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान को रानी मैदान पर उतरेंगे। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने स्पिन गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया जो भारतीय टीम के लिए लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ भी बेहतर प्रदर्शन करके भारत को जीत दिलाने के इरादे से कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया जो भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ बिकनी को खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया जो पिछले दो मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन यहां पर इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करके भारत को जीत दिलाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। इसके अलावा उनका साथ देने के लिए अंतिम तेज गेंदबाज के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी ने शार्दुल ठाकुर को बाहर करते हुए मोहम्मद शमी को शामिल किया है जो भारतीय टीम के लिए पहले दो मैच खेल नहीं पाए थे, लेकिन अब पाकिस्तान के मजबूत बल्लेबाजी के खिलाफ पाकिस्तान को परेशान करेंगे। और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने इन 11 खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए टीम में शामिल किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।